करनाल के मॉडल टाउन में मेयर रेणुबाला गुप्ता द्वारा इंटरलॉकिंग टाइलों का निर्माण कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़ कर किया गया। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री के विशेष प्रतिनिधि संजय भटला भी मौजूद रहे। करनाल मेयर ने कहा कि यहां के निवासियों की बड़े लंबे समय से सड़क बनाने की मांग थी, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। उन्होंने वार्ड के पार्षद को कहा कि सड़क निर्माण के समय निर्माण कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखें तथा सड़क अच्छी बने। इस अवसर पर संजय भटला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल के विकास कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं, जिसके चलते हर वार्ड में निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। इस दौरान पार्षद के पति गिन्नी ने अपने वार्ड में हुए विकास कार्यों के लिए मेयर का धन्यवाद किया। इस सड़क की डिमांड बहुत समय से आ रही थी। इस सड़क में स्टॉर्म वाटर होना चाहिए और उसके साथ साथ यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल की सड़क भी, पर कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं थी जिनकी वजह से स्टॉर्म वाटर का पाइप डिसाइड नहीं हो रहा था। हमने अब इसका तय किया है कि बीच में स्टॉर्म वाटर डाल के इसको इंटरलॉकिंग टाइल की बनाया जाएगा। आज इस अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि भाई संजय भटला जी, हमारी पार्षद रमन दीप जी और गिन्नी भाई यहाँ पर मौजूद है। सभी यहाँ के मौजूद गुप्ता जी हैं, सभी यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर शहर के गणमान्य लोग मौजूद हैं। एक कमिटमेंट सब ने की हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर कि शहर में हर तरह की व्यवस्था, लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, लोगों को हर तरह की फैसिलिटी, चाहे हम किसी भी दौर में गुजरे, हमने देनी है। इसलिए आज यहाँ ये काम शुरू हुआ है। 25,47,000 का ये काम है और इसमें पहले बीच में स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, उसके बाद इंटरलॉकिंग का ये काम होगा। यहाँ के सभी मौजूद निवासियों से ये कहना चाहूँगी, वैसे हमारी पार्षद बहन का यहाँ पर घर साथ ही है, वो गुणवत्ता को चेक करती रहेंगी ताकि एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी सड़क लोगों को सुपुर्द कर सकें और भविष्य में लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ। कब तक माने मेयर रेणुबाला जी, पार्षद रमनदीप जी, गिन्नी जी और इस वार्ड के माने लोग जो खड़े हैं, ये जो सड़क है पिछले काफ़ी समय से टूटी हुई थी, लोगों का बार बार कह रहे थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेयर मैडम ने और पार्षद जो हैं उन्होंने करके इसका एस्टिमेट बना, इसलिए ये सड़क लेट हुई। पहले इसमें स्टॉर्म वाटर पाइप बिछेगी, ऊपर इंटरलॉक टाइल बिछेगी। माने मुख्यमंत्री जी, जैसे पूरे ही हरियाणा में ऐसी सड़कें पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो पूरे हरियाणा के अंदर छोटी से छोटी गली के अंदर सड़कें बन रही हैं। ये एक हरियाणा ही है, हर गांव में आप जाओगे, गांव में भी इसी तरह के इंटरलॉक टाइल की सड़कें और शहर में भी अच्छा काम पूरे हरियाणा में हो रहा है। बहुत पुरानी डिमांड थी लोगों की, तो इसकी थोड़ी देर होगी, जिसकी कि हम क्षमा चाहेंगे लोगों से और सबसे भी असुविधा के लिए। अब जल्दी एक महीने के अंदर अंदर सड़क बन के तैयार हो जाएगी। इसके सेंटर में स्टॉर्म वाटर की पाइप है 9 इंची की और इंटरलॉकिंग सड़क बनेगी। 25,47,000 रुपये का टेंडर है। लगभग कितनी सड़क है, कितनी लंबी? 340 मीटर सड़क है। 340 मीटर की सड़क है जी जी। इस विषय के पीछे आईबीएन में भी एक खबर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.